जहां एक तरफ दिल्ली बॉर्डर तक किसान आंदोलन को समेटने की सरकार पूरी तैयारी करने में लगी है, तो वहीं ये आंदोलन उसी तेजी से फैल भी रहा है। प्रदेश की 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर टोहाना की है, जहां किसानों ने दिल्ली आंदोलन में गिरफ्तार हुए अपने साथियों की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन और साथ ही इंटरनेट बहाली की मांग की है। नरवाना में भी किसानों ने इंटरनेट पर रोक के खिलाफ हिसार चंडीगढ़ हाईवे को टोल प्लाजा के पास जाम कर दिया और साथ ही सिरसा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना भी जारी है। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां भी किसानों ने महापंचायत बुलाकर दिल्ली समेत कई जगह चल रहे आंदोलन को बल देने की रणनीति बनाई है। वहीं इंद्री में 9 गांवों ने एक मत से फैसला लिया कि आंदोलन की खिलाफत करने वाले गठबंधन सरकार के नेताओं को गाँव में नहीं आने दिया जाएगा। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इंटरनेट नहीं तो रोड को जाम किया गया है। साथ ही सिरसा की आप तस्वीरें देखिए, यहां पर भी तमाम जो किसान हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए और साथ ही किसानों का धरना देखने को मिला है। महापंचायत में महारणनीति भी तैयार की जा रही है कुरुक्षेत्र में और साथ ही टोहाना में ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति को। वहीं इंद्री की तस्वीरें आप देख सकते हैं, 9 गांव का ये फैसला है, गठबंधन सरकार को गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। 5 तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि आंदोलन का रुख एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रदेश में आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तमाम लोग और किसान। नरवाना, सिरसा, कुरुक्षेत्र, टोहाना, इंद्री की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां गुस्सा भी है किसानों में, आक्रोश भी है और यही वजह है कि इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है, जिसको लेकर जाम भी लगाया गया। तो इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि ये सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सरिये लगा करके, नोकेले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहां पे कोई तोपखाना भी जाकर के खड़े कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर चाइना के राष्ट्रपति ने स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने का काम किया था, हजारों स्टूडेंट पे टैंक चढ़ा दिए गए थे, मार दिए गए थे। आज के हालात जिस तरह के दिख रहे हैं उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के आदेश दे करके किसान को भी कुचलने का काम ना करे। एक ऐसी सेवा है आज की तारीख में कि जितने भी ऑफिस हैं उन सबको आप कहते हैं ऑनलाइन कर रखा है और ऑनलाइन कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया तो ऑफिस का काम ठप हो गया कि नहीं हो गया? चाहे वो एक डीसी का ऑफिस नहीं, कोई भी विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, पंचायती राज है, चाहे आपका कोई बिजली का विभाग है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का विभाग है, हर डिपार्टमेंट जो है आज ठप हो गया। कोई काम जो है किसी आदमी का आज पूरे स्टेट में कहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। सरकारी जो काम है वो बंद है। नंबर 2, जितने बच्चे जो पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई कनाडा में, अमेरिका में, उन बच्चों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या होगी क्योंकि उनकी तो पूरी स्टडी ऑनलाइन है। उन बच्चों के अगर एग्जाम हो रहे थे तो उनके एग्जाम तो एकदम शुरू हो गए, उनके तो साल बर्बाद।